हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश केशव, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद गार्डनिंग। तो मैं फ्रेंड्स बहुत दिनों के बाद फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई रिव्यू, नई प्रोडक्ट को लेकर फिर से आपके सामने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये जानकारी पसंद आए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेसिफिक्स प्रोफेशनल वीएलसीसी की प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बहुतों को पता नहीं होंगी। फ्रेंड्स, ये वीएलसीसी की प्रोडक्ट है, प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेसिफिक्स प्रोफेशनल ब्राइटनिंग स्क्रब के बारे में। तो मैं आज इसके रिव्यू करूंगा, इसकी क्वांटिटी की बात करूंगा, इसकी प्राइस की बात करूंगा और इसके बेनिफिट्स की बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें तो ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से दे पाऊंगा और लास्टली मैं इसकी डेमो भी दूंगा। फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्पेसिफिक्स प्रोफेशनल स्क्रब के बारे में बात कर रहा था फ्रेंड्स, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद होती है डेड सेल वालों के लिए। अगर आपके फेस में डेड सेल बहुत ही ज्यादा है और आपकी रूखी त्वचा है, तो फ्रेंड्स आप इसे बिल्कुल यूज करें और इसके जो बीड्स हैं वो आपके डेड सेल को रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे, यूजफुल होंगे। फ्रेंड्स, मैं ये दिखा सकता हूं कि ये जो स्क्रब है वो काफी डिफरेंट है और काफी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है रिमूव डेड सेल्स, डीपली क्लींजेस स्किन, आपके स्किन को ये गहराइयों तक साफ करेगा फ्रेंड्स, और ये आपके डेड सेल को रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस है इसकी 375, जो कि अफोर्डेबल है फ्रेंड्स और मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध है। और अब मैं बात करूं इसकी क्वांटिटी की, तो ये 200 ग्राम है और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूं, तो इसमें ब्राइटनिंग स्क्रब इनरिच विद पपाया एलोजेल एंड ग्लिसरीन। एलोजेल मतलब कि एलोवेरा का जो जेल होता है वो इसमें है और पपाया इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया है उससे ये साबित होता है फ्रेंड्स कि ये आपके स्किन के सेल को इम्प्रूवमेंट करेगा और आपके स्किन को स्मूथ और रिफ्रेश करेगा। फ्रेंड्स, आपके जो स्किन में ग्लो होंगे वो नेचुरल होंगे, जो कि इसमें दिया गया है और मैं इसे खुद भी यूज कर चुका हूं फ्रेंड्स। काफी ये इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है और इसके यूज भी काफी अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आगे मैं बात करता हूं, ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट है तो ये काफी अच्छी होगी। और इसके सबसे बड़े कारण ये है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, गर्ल्स और बॉयज बिल्कुल बेझिझक। डायरेक्शन ऑफ यूज की बात करूंगा तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि स्क्रब के फायदे बस यही है कि आपकी ये डेड सेल को रिमूव करेगा और आपकी स्किन के नेचुरल ग्लो को वापस लाएगा फ्रेंड्स, और आपके चेहरे के जो स्किन है वो नेचुरल ग्लो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब डायरेक्शन ऑफ यूज मैं इसके बताऊं तो आपको बस मात्र ये लेनी है इतनी क्वांटिटी में। कम से कम आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें जो बीड्स हैं छोटे छोटे, वो जो कि आपके सेल डेड सेल को रिमूव करेंगे, वो बिल्कुल ऑरेंज कलर के हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं इसे यूज कैसे करना है। आपने लेनी है स्क्रब थोड़ी सी और आप इसे पूरे फेस में वहां तक लगाएं जहां तक ये डेड सेल होने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स, आपको लगा लेना है। अगर आप बियर्ड रखने के शौकीन है तो प्लीज बियर्ड के अंदर भाग में ना लगाएं, क्योंकि बियर्ड के अंदर जाने के बाद आपको निकालने में, रिमूव करने में थोड़े से प्रॉब्लम होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे बता रहा हूं यूज करने का तरीका। तो आपने इसे सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरह से, फिंगर टिप्स के सहारे सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरह से करनी है मसाज, 2-5 से 7 मिनट
5 से 7 मिनट आपने करनी है सर्कुलर मोशन में अपने फेस में मसाज। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये मैं बिल्कुल सर्कुलर मोशन में करूंगा फ्रेंड्स। और सफिशियंट हो तो आप नेक को भी करें, क्योंकि डेड सेल आपके नेक पे भी होते हैं और डर्ट, जो दिन भर के डर्ट होते हैं, वो आपके फेस को ब्लॉक कर देते, फेस के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ये उसे खोलने का काम करता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, जैसा कि मैं ये कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स ये आपको करनी है 5 to 7 मिनट्स। अब इसे रिमूव करने के लिए आपको लेनी है मॉइस्ट कॉटन, जो कि हल्की भींगी हुई हो, ताकि आपके जो स्क्रब पैक है, क्रीम है, ये इससे अच्छी तरह से रिमूव कर सके फ्रेंड्स। तो आप देख लें, ये जैसा मॉइस्ट कॉटन है, आप इससे अपने फेस को पहले बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर ले फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाद फ्रेंड्स आप एक सूखी छोटी कॉटन टॉवल यूज कर सकते हैं अपने फेस में से पोंछने के लिए, और उसके बाद आप फेस को अच्छी तरह से धो ले फ्रेंड्स। काफी अच्छी ग्लोइंग आ रही है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप मेरे फेस को देख सकते हैं, ये काफी ग्लो कर रही है फ्रेंड्स, और मुझे काफी रिफ्रेशमेंट फील हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इसके फायदे देख चुके हैं, और आपको कैसे इसे यूज करनी है ये मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, इसके डेमो दे चुका हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह के वीडियो को हमेशा देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए जब भी ऐसी कोई वीडियो लाऊं तो आप तक ये सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहता हूं, और आपके मन में किसी प्रकार के भी कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो प्लीज इसे मन में ना रखें फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते फ्रेंड्स, मैं सबके आंसर ऑलमोस्ट देता ही रहता हूं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।